हजारीबाग के हैं तो सालपर्नी जरूर घूमने जाएं। बेहद मनोरम और खूबसूरत है सालपर्नी का फॉल। बड़े बड़े चट्टानों से होकर गिरता है पानी, लोगों को खूब लुभाता है सालपर्नी फॉल। 9 वर्ष के पहले दिन यहाँ लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। खबरें हजारीबाग के लिए विश्वेंदु जयपुरियार की रिपोर्ट। तो ये मैं सालपर्नी इलाके में हूँ, यहाँ से फॉल का हिस्सा शुरू होता है और मैं पुले चलूँगा। सालपर्नी फॉल बहुत सुंदर जगह है, बेहद मनोरम जगह है और देखिए कितना सुंदर दृश्य है आपके सामने, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। नमस्कार, मैं सालपर्नी में हूँ। शहर से 17 किलोमीटर दूर सालपर्नी बेहद हरा भरा और मनोरम जगह है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एक छोटा सा फॉल है और पत्थरों के बीच से होकर जब पानी बहती है तो बेहद सुकून भरा नज़ारा होता है। तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और अब आपको मैं सालपर्नी पूरा दिखाता हूँ। तो ये फॉल है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ सालपर्नी में, और इसी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मैं ये फॉल दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मेरे पीछे ये पूरा फॉल। काफ़ी भीड़ है आज 9 वर्ष के पहले दिन। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सालपर्नी में भीड़ 9 वर्ष के पहले दिन। देखिए ये पूरा पानी जो है वो पूरा कुछ यूँ इस तरह चट्टानों से होकर नीचे गिरता है और बेहद सुंदर ये दृश्य है पूरा। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। मत जाना, उधर बहुत गड्ढा है, उधर में आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। कहाँ से आए राहुल आप? हजारीबाग से हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है ये जगह? अच्छा लग रहा है, यहाँ घूमने आराम, फैमिली प्लेस है। क्या बोलते, बाहर लोग यहाँ आता नहीं, सब लोकल है यहाँ पे। पिकनिक मनाने के लिए बेहतर जगह है ये। जगह अच्छा है, ठीक है। हाँ, जो घूमने के लिए अच्छा सा जगह है। कहाँ से आए हो? हम हजारीबाग से आए, नूतन नगर। नूतन नगर से? अच्छा, क्या नाम है? धीरज कुमार पटेल। सारे लोग नूतन नगर से हो जी? तो इतना दूर आने का खास वजह सालपर्नी सुने थे पहले? हाँ सुने थे, ठीक है। लोकेशन पता था, बट उस जगह में आज फर्स्ट टाइम आए थे। अच्छा।